ये देख लो भाई इस ट्रक की आगे, ये ट्रक कितनी छोटी लग रही है। ओ भाई इस तरह का ट्रक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा था। ये लोग जनवरी से हरिद्वार से आ रहे हैं। जनवरी से आ रहे हैं, क्या बात है। वहाँ पे रांची में मई जून में पहुँचेंगे बोल रहे हैं। ओहो भाई जनवरी से आ रहे हैं हरिद्वार से। तो गाइस आज हम आपको सबसे एक यूनिक चीज दिखाने वाले, एकदम हट के भाई। आपने तो अगर ट्रक वगैरह तो देखा होगा कितना ज्यादा, मतलब टायर वगैरह होता है नॉर्मल गाड़ी में, जो होता है लगभग मान के चलिए 10 टायर होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा ट्रक दिखाने वाले हैं, ऐसा गाड़ी दिखाने वाले हैं जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे कि लगभग इस गाड़ी में, भाई देखिए मेरे पीछे, ओ भाई देख लीजिए कितना लंबा है। अभी आप देख रहे हो ये भाई बहुत ही लंबा ये ट्रक है। लगभग ये आप जो मतलब ट्रक देख रहे हो इसमें भाई चक्का देखो भाई कितना ज़्यादा चक्का लगा हुआ है। ओ भाई साहब हर एक आप किनारे किनारे में देख सकते हो, यहाँ पर चार चार चक्का लगा हुआ है। इस तरफ में आप देख सकते हो चार चक्का है, पूरा लाइन बाई लाइन करके चार चक्का है, और उस साइड में भी चार चार चक्का भाई इस ट्रक में लगा हुआ है। और टोटल मिला के इस गाड़ी में जो चक्का है, चक्का की संख्या है भाई लगभग 300 इस ट्रक में दोस्तों चक्का लगा हुआ है। और पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से भाई ये जो गाड़ी है, ये ट्रक है, ये मशीन है, कुछ मशीन है पूरा। हम लोग चलिए जानने वाले हैं कि क्या क्या इसका फंक्शन वगैरह है। ये आप देख सकते हो रामेश्वर ट्रांसपोर्ट CO प्राइवेट लिमिटेड है, और पूरा आप देख लो। ओ भाई साहब बहुत ही विशाल, अभी आप देख सकते हो इस ट्रक को, गजब। ये देखो भाई कितना लंबा है। चलिए हम लोग पूरा आगे तक चलते हैं, पीछे हम पूरा हम लोग पीछे तक आए, चलिए आगे तक आपको दिखाते हैं कैसे कैसे चलता है। अभी आप देख लो ये जो मशीन है ये बिजली वाला होता है उसमें काम आता है। भाई देख लो अभी हम लोग कहाँ से थे, भाई देख लो अभी हम लोग कहाँ थे, वहाँ थे और कहाँ आ गए एकदम। अभी फिलहाल अभी हम लोग इस ट्रक के आगे वाले छोर पर आ चुके हैं, ये देखिए। ओ भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा इसमें भाई चक्का लगा हुआ है इस ट्रक में। ओ और ये देखिए ये आगे में लगा हुआ है इसको खींचने के लिए। तो देख लो भाई ये भी कितना हेवी होगा, ये आगे वाला ट्रक इसका जो मुंडा है वो कितना ज़्यादा हेवी होगा। ये भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो लिखा हुआ है रामेश्वर ट्रांसपोर्ट CO प्राइवेट लिमिटेड, और ये आप देख लो ये पूरा आगे वाला मतलब जो है ये लगा हुआ है यहाँ पर खींचेगा ये ट्रक। और पूरा उधर में आप देख सकते हो तो जो ऑपरेट करने के लिए है यहाँ पर पूरा सिस्टम वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल आगे से आप देख सकते हो रामेश्वर ट्रांसपोर्ट CO प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात का ये मतलब ट्रक है, गुजरात से आ रहा है। और देख लो और भी मतलब यहाँ पर जो मुंडा है आगे लगता है, खैर अभी तो एक ही लगा हुआ है लेकिन और भी लगता है इसको खींचने के लिए। फिलहाल चलिए अभी हम लोग पीछे की ओर चलते हैं और पीछे की ओर से फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरफ में भी फिलहाल इस तरफ में भी जो चार चार चक्के हैं वो लगे हुए हैं पूरा इधर में, ये देखिए गजब। इस तरह का ट्रक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा था, देखिए। ओ भाई ये देखिए भाई ये बड़ा सा यहाँ पर इस मशीन है, इसमें लिखा हुआ है जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट, पूरा लिखा हुआ है क्या है हरिद्वार। भाई हरिद्वार से ही आ रहा है अभी फिलहाल हरिद्वार। और ये देखो पूरा रामेश्वर ट्रांसपोर्ट है, और पीछे वाला अभी आप देखो तो यहाँ पर पूरा इतना दूर तो आप देखो तो पूरा जो है इस ट्रक पे चक्का लगा हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है गैप भी है। देख लो यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो है अभी फिलहाल गैप है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है चक्का उगा लगा हुआ है पूरा। आप देख लो तो कितना ज़्यादा कितना चक्का लगा हुआ है पूरा साइड बाई साइड करके। और ये देख लो पूरा इस तरह से ये जो भाई वर्क है ये क्या क्या पूरा भाई मशीनरीज वगैरह इसमें लगा हुआ है, हाइड्रोलिक है क्या क्या है भाई, बहुत ज़्यादा कुछ है इसमें, ये देख लो। और ये देख लो यहाँ पर पीछे में भी एक जो ट्रक है वो यहाँ पर लगा हुआ है इसे मतलब जो है आगे धक्का देने के लिए। गाइज भैया आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा किसमें कितना इसमें इस ट्रक में चक्का लगा हुआ है? 256। 256 हाँ। वो सिर्फ पूरा इसमें लगा हुआ है ना? हाँ, और इसका अलग है ना? हाँ, ये भी इसे अलग है। अच्छा ये अलग है ना? 276 होगा टोटल। अच्छा 276। ओ भाई देख लो कितना, कैसे आप लोग इतना मतलब जो है मैनेज कर लेकर जाते हो? चलते हैं रोड पे गुरु, एक दिन में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल पे कर ला। अच्छा हाँ, खूब से खूब 10 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं ना भैया? नहीं
जनवरी से आ रहे हैं हरिद्वार से और मई जून में पहुंचेंगे। जनवरी से आ रहे हैं। एक जनवरी की गाड़ी क्या तो निकल रही है। बाप रे बाप, एक जनवरी को निकला हुआ 2023, समझ लो लगभग अभी एक साल पूरा होने वाला है भाई। अभी और उसमें भी अभी टाइम लगने वाला है रांची पहुंचने में। तो क्या माइलेज वाइलेज कितना देती है ये? दे देती है 12 लीटर एक किलोमीटर में। एक किलोमीटर का 10 लीटर ये तेल खाती है भाई। एक किलोमीटर में बारह लीटर खाती है। क्या कहना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में भाई? इतना वजन बचना है यार, बताओ वजन। हाई जैसे नॉर्मल तो रखे 7 के 4 के देवे लीसन, खाली लेवे तो 5 के 6 के मिली, भर के लेवे तो 4 के 3 के मिली। तो ये तो भाई इतना वजनदार बात। एक 520 सीसी के इंजन में देखा जो बैचिंग। अच्छा, 520 सीसी का 18 वो गियर में। 520 सीसी के इंजन है, 18 को गियर है इसमें। क्या बात है, तुम कैसे जानते हो? बता दिए मेरे को भाई। बहुत ज्ञानी हो ना। अच्छा, क्या वर्क है इसका मशीन का? लाइट बनाने की बिजली है। लाइट बनाने टरबाइन है। अच्छा, टरबाइन है। हाँ जी। और ये कुर्सी लेके आप लोग चलते हो? और क्या, भाड़े थोड़ी मिलेगी। अब बेड वगैरह कहाँ है सर? बेड है ही नहीं। ऐसे आप लोग कहीं पे भी? ना, ये हमारा घर है। अच्छा, आप लोग का यही घर है, चलता फिरता ना? हाँ। खाना पीना बनाते हो या फिर? बनाते हो ना, मुर्गा बन रहा है ना, अच्छा, क्या बात है, बढ़िया है भाई, देखो ये लोग बोतल पीना कहीं पानी वाला, पिस्ता जी वाला, पूरा मतलब घर वगैरह सब लेकर चलते हैं इन लोग अब और खेलते चलते हैं। और ये पीछे वाला ये देख लो, पूरा एक तरह से चलता फिरता घर है। कितना लोग जाते होंगे मतलब इसको लेकर जा रहे हैं अभी? कम से कम 15 लोग हैं। 15 लोग हैं भाई, देख लो कितना लंबा ये भाई ट्रक है भाई, देख लो इसका जो चक्का है, जो टायर है भाई, कितना ज़्यादा भाई इस ट्रक में भाई चक्का है। ओ भाई भाई, आज हमने आपको भाई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक दिखाया। बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है यार। मतलब 1 किलोमीटर चलावे का 10-12 लीटर पेट्रोल चाहिए, डीजल। हाँ भाई, 1 किलोमीटर चलाने का 10-12 लीटर डीजल चाहिए, जो कितना मतलब कॉस्ट खर्चा होता होगा जाने आने। और ये जो लोग हैं, जैसा कि बताएं कि जनवरी में निकले हुए हैं हरिद्वार से, और मतलब अभी दिसंबर आ गया तब बिहार में पहुंचे हैं। हाँ, अभी दिसंबर आया, अभी रांची में तो पहुंचने के लिए मई जून हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत टाइम लगता है, लगभग 1.5 साल लग जाएगा भाई। लग ही गया, 1 साल लग गया, और बस 2-3 महीना और बाकी है रांची पहुंचने में। ये था आज का वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर। ये देखो भाई, इस ट्रक की आगे ये ट्रक कितनी छोटी लग रही है। ओ भाई।